बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोजेस टीवी के मोजेस दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। हसबे मामूल अपनी तमाम तर टीम का, टीवी मोमिनीन का और अपने देखने वालों का मैं बेहद मशकूर हूँ। टेंसेस का सिलसिला जारी और सारी है। आज हम पहुँचे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, फेल माजी मुकम्मल। सबसे पहले उसकी निशानी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, लिए थे। उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, लिए थे होगा, ये इसकी निशानी है। सबसे पहले अगर किसी काम का करना होना या सहना, माजी में मुकम्मल हालत में पाया जाए, गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल हालत में पाया जाए, उसको कहते हैं कि फेल माजी मुकम्मल, पास्ट परफेक्ट टेंस। निशानी वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। तमाम तर सब्जेक्ट के साथ, तमाम तर फाइल के साथ हेड इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब वाहिद इस्तेमाल होता है। जुमलों की बनावट, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सारा जुमले की बनावट एक दफा फिर देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख लेने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख लेने के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सादा जुमले की बनावट, वी हैड कंप्लीटेड आवर होमवर्क, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मनफी जुमले की बनावट एक दफा फिर देख लेते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं पहले, सब्जेक्ट लिख लेने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख लेने के बाद नॉट लिखते हैं, नॉट लिख लेने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख लेने के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, वी हैड नॉट कंप्लीटेड आवर होमवर्क, वी हैड नॉट कंप्लीटेड आवर होमवर्क, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, सेम सीक्वेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। सवालिया जुमले की बनावट एक बार फिर देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख लेने के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख लेने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख लेने के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। नंबर थ्री पे है, हैड वी कंप्लीटेड आवर होमवर्क, हैड वी कंप्लीटेड आवर होमवर्क, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। सवाल या मनफी फिक्रे की बनावट एक दफा फिर सीख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख लेने के बाद नॉट लिखते हैं, नॉट लिख लेने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट। हैड वी नॉट, Had we not completed our homework, had we not completed our homework, helping verb, subject, not, third form of verb, object, double interrogative, दोहरे सवालिया, WH word plus helping verb, subject, third form of verb, object। दोहरे सवालिया की बनावट एक दफा फिर सीख लेते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड लिख लेने के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख लेने के बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख लेने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को लिखते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख लेने के बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं।
हैड वी, नंबर पांच पे है वाई हैड वी कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वाई हैड ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। नंबर छः पे है आखिर में दोहरे सवाल या मनफी डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोहरे सवाल या मनफी की बनावट एक दफा फिर सीख लेते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड लिख लेने के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख लेने के बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख लेने के बाद नॉट को लिखते हैं, नॉट लिख लेने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं और सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। Why had he not completed his homework? WH word, helping verb, subject, not, third form of verb, object. तो ये था past perfect tense, फेल माजी मुकम्मल, उसकी बुनियादी चीज़ें, उसके जुमलों की बनावट, उसमें इस्तेमाल होने वाली verb, उसमें इस्तेमाल होने वाला helping verb, simple sentence, negative sentence, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये उनकी बनावट और उनके लिए इस्तेमाल, ये छोटी छोटी मिसालें हैं सादा। उम्मीद की जाती है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।